हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा फाइनल T20 मुकाबला खेला जाने वाला है और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया गिवअवे लेकर आओ। तो एक छोटा सा गिवअवे इस वीडियो से हम स्टार्ट करें, देखते हैं आपका क्या रिस्पांस है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम गिवअवे को आगे कंटिन्यू करेंगे और बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया तीसरे T20 मैच की हम बात करेंगे और इस दौरान जो CPL के मुकाबले हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर कवर किए जाएंगे। तो जब तक ये सीरीज चल रही है मैं इंटरनेशनल कवर कर रहा हूँ, CPL हमारे टेलीग्राम चैनल पर कवर किया जा रहा है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और गिवअवे का जो विनर है वो भी हमारे टेलीग्राम पर ही अनाउंस किया जाएगा। यूजर आईडी आपके स्क्रीन पर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गिवअवे क्वेश्चन की बात की जाए तो आज का हमारा सवाल ये है कि इस मैच में कितने छक्के लगेंगे, हाउ मेनी सिक्सेस विल बी स्कोर्ड इन दिस मैच, टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है। जो सबसे सही जवाब देगा और जिसका जवाब पहले आया होगा उसको ₹100 का कैश इनाम दिया जाएगा, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, आप जो भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करो। ये जो मुकाबला है ओल्ड ट्रेफोर्ड मैनचेस्टर में 15 तारीख को शाम 7 बजे से ही खेला जाने वाला है। बहुत ही आइडियल टाइम है ये, बहुत ही जल्दी ये मैच शुरू हो जाएगा तो मज़ा भी आएगा। पिच रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। 9 मुकाबले में 165 का एवरेज स्कोर है, 3 मैच डिफेंड और 6 मैच चेस हुए इंटरनेशनल मैचों में। तो चेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं और 4 बार 190 प्लस बना है, ठीक है। 9 में से 4 बार 190 प्लस, 3 बार 150 to 170 और सिर्फ 2 बार 150 से नीचे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की जो विकेट है बल्लेबाजों को कितने अच्छे तरीके से फेवर करती है कि 9 में से 4 बार 190 प्लस बन गया है और सिर्फ 2 बार 150 से नीचे का स्कोर बना है। एक बार फिर से हमें जो है यहाँ पे बहुत सारा देखने को मिल सकता है और विकेट का डुअल नेचर देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे विकेट गेंदबाजों को भी फेवर करती है बीच बीच में। पेस बना स्पिन आंकड़ा देखा जाए तो 9 मैचों में 71 विकेट पेसर्स को और 47 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं, 170-80 इस मैच में हमें देखने को मिल सकता है। हेड टू हेड 26 मुकाबले में 12-12 का रिकॉर्ड हो चुका है, दोनों टीमें बराबर के मुकाबले जीती हैं, एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती है। लेकिन पिछले 10 मुकाबलों में इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है, पिछले 10 मुकाबलों में 7 इंग्लैंड जीती है, सिर्फ 3 ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। शुरुआत करते हैं इंग्लैंड से जो कि मेज़बान है। तो इंग्लैंड की टीम बहुत ही शानदार तरीके से पिछले मैच में जीत दर्ज कर करके आ रही है और सीरीज को 1-1 से लेवल कर चुकी है। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन हमें देखने को मिला और टीम सेम हमें देखने को मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ पे 193 चेस कर रहे थे और 19 ओवर में ये लोग चेस कर लिए, 3 विकेट से जीत गए। गेंदबाजी थोड़ी सी एक्सपेंसिव रही, दैट्स वाई 194 का टारगेट मिला और विकेट्स लिए। यहाँ पे क्रेज ने 2 विकेट लिए, 2 विकेट लियाम लिविंगस्टोन ने लिए, कमाल की गेंदबाजी करी, आदिल रशीद और श्याम करन को भी विकेट मिले, बट सब महंगे साबित हुए। सिर्फ 2 गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी की, क्रेज और लियाम लिविंगस्टोन, इनकी इकनॉमी ठीक रही, बाकी 10-12 की इकनॉमी से रन खर्च करते हुए नजर आए। तो गेंदबाजी एक्सपोज हो गई इंग्लैंड की, बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई, फ्लिप सॉल्ट अच्छे टच में नजर आए और मिडिल ऑर्डर में लियाम लिविंगस्टोन का फॉर्म में आना जरूरी था, वो फॉर्म में है भी, आना क्या, लगातार रन कर रहे हैं। 87 सिर्फ 47 गेंदों पे 5 छक्के जड़े और 44 रन बनाया बैथल ने और इन्होंने मैच को पलट दिया 3 खिलाड़ियों ने मिलकर। और मैंने आपसे कहा था इंग्लैंड में ऐसे ऐसे प्लेयर है कि सिंगल हैंडली मैच बदल देंगे, अगर 2-3 भी चल गए तो कोई भी टारगेट चेस करने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए साल्ट, लियाम लिविंगस्टोन, बैथल, इन तीनों ने ही मिलकर मैच जिता दिया। उसके अलावा विल जैक भी अभी तक नहीं चले हैं इस मैच में, चले जॉर्डन कॉक्स भी उसी तरीके के खिलाड़ी हैं, श्याम करन भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आजकल, तो बल्लेबाजी में काफ़ी दमखम नजर आ रहा है। गेंदबाजी थोड़ी सी समस्या का विषय है इनके लिए, दोनों ही मैचों में इनके गेंदबाज एक्सपोज होते हुए नजर आए हैं, तो गेंदबाजी पर काम करने की जरूरत है। वैसे ये भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो बल्लेबाजी से ही मैच जीतना होगा, कम से कम टोटल पे रोका जाए और उसके बाद चेस किया जाए। पिछले 5 मुकाबलों में इंग्लैंड 2 जीती है, 3 हारी है, ऑस्ट्रेलिया जो है 4 जीती है, सिर्फ 1 मैच हारी है। आइए फैंटेसी पिक कर लेते हैं। तो पहली पिक फिलिप सॉल्ट रहने वाले हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है, 61-12-20-39 पिछले मैच में किए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 39-20-37 का स्कोर कर चुके हैं, 3 पारियों में 96 है, 30+ का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। विल जैक अभी तक इस सीरीज में नहीं चले हैं, बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर हैं, बहुत ही विंटेज खिलाड़ी हैं, खेलते हैं तो मज़ा ही आ जाता है इनकी बैटिंग देखकर, मतलब यही खेलते हैं सिर्फ जब खेलते हैं तो। ऊपर से गेंदबाजी का भी ऑप्शन है, गेंदबाजी भी ये बहुत अच्छी करते हैं और विकेट्स बीच बीच में लेते रहते हैं। 4 मैच पहले 150 लगाते हुए नजर आए थे, ऑस्ट्रेलिया खिलाफी नंबर्स वगैरह कुछ खास है नहीं, बट यहाँ पे नंबर सुधारने की बारी है। जॉर्डन कॉक्स को हम स्किप कर रहे हैं, कुछ खास फॉर्म में है नहीं, 1 सेंचुरी पिछले 5-6 पारियों में देखने को मिली। लियाम लिविंगस्टोन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेहतरीन पिक हो सकते हैं, क्या कमाल की गेंदबाजी करी पिछले मैच में, 3 ओवर में 16 रन 2 विकेट और 87 रन भी बनाए, उससे पहले 37 3 विकेट 43 1 विकेट 55 33, बहुत बेहतरीन फॉर्म में, बैटिंग बॉलिंग दोनों से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया खिलाफ भी नंबर्स अच्छे हैं, 87 2 विकेट 37 3 विकेट 15 1 विकेट,
तो इस मैच में भी चलने के पूरे पूरे इनके चांसेस नजर आ रहे हैं। उसके अलावा बैथल 44 रन बनाते हुए यहाँ पे नजर आया, दो मैचों में नहीं चले थे, यहाँ पे 64 रन का स्कोर देखने को मिला। गेंदबाजी भी ये करते हैं लैपटॉप ऑर्थोडॉक्स, तो गेंदबाजी से भी आपको पॉइंट्स करके दे सकते हैं। सैम करन भी एक बेहतरीन पिक हो सकते हैं, लगातार एक एक विकेट ले रहे हैं, दोनों मैचों में एक एक विकेट लिया है और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, 50 वगैरह लगाते रहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार जो है ये जब भी खेले हैं अच्छी गेंदबाजी करें, विकेट तो लगातार लिया है, बल्लेबाजी से किया हो या ना किया हो कुछ। उसके अलावा ओवरटर्न को हम स्किप कर रहे हैं, कई मैचों से विकेट ही नहीं मिला। क्रेज दो दो विकेट लगातार ले रहे हैं, तो इनको आप अपनी टीम में चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो, ये एक बहुत बेहतरीन पिक हो सकते हैं, एक ही मैच खेलें, पिछला मैच खेलें। आदिल रशीद को फिलहाल हमने लिया है, आप चाहो तो रिस्क लेके क्रेज को ले सकते हो। ये देखिए लगातार आदिल रशीद भी विकेट ले रहे हैं, ये भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, 7 पारियों में 11 विकेट इस बार, पर 14 पारियों में 15 विकेट यहाँ पर ले चुके हैं। महमूद भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहो तो ले सकते हो। प्रियसी टोपली दो मैचों से विकेट नहीं मिला है, बीच बीच में दो दो विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन इस सीरीज में फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, मार भी खाए हैं ऊपर से। बात की जाए अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है, और पिछले मैच में जो कप्तान मिच मार्श थे वो नहीं खेले थे, तो ऐसे में ट्रेविस हेड टीम को लीड कर रहे थे, सेम टीम के साथ ये टीम आ सकती है, देखते हैं मिच मार्श आते हैं नहीं, संभावना है तो बहुत कम है। वैसे मिच मार्श के बिना भी टीम काफ़ी तगड़ी है, और ये चीज़ तो है मिच मार्श के बिना आखिरी मैच में ये लोग हार गए, 193 चेस नहीं डिफेंड नहीं कर पाए, बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही, शॉट ने 28 बनाए, 31 हेड ने बनाए, अच्छी शुरुआत करी और उसको कंटिन्यू किया। मैगर्क ने बहुत ही कमाल की खिलाड़ी है, 50 जड़ी, 42 इंग्लिश ने बनाया, और अंत में भी ग्रीन और हार्डी ने रन किए, टीम डेविड और स्टोनिस इनके पास है, तो बल्लेबाजी में ये टीम इंग्लैंड से बहुत ज्यादा बेटर है और गेंदबाजी में भी बहुत ज्यादा बेटर है। पहले मैच में तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करी थी, 5 विकेट मैच शॉट ने निकाले, 2 विकेट निकाले सीनियर बट ने, और पहले मैच के दौरान ग्रीन भी अच्छी गेंदबाजी किए थे, साथ ही साथ हेजलवुड भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे, तो गेंदबाजी इनकी भी बहुत जबरदस्त थी, और पिछले मैच में 7 विकल्प का इस्तेमाल किया गया था, 7-8 विकल्प इनके पास गेंदबाजी में मौजूद है। ठीक है, तो ये टीम बहुत अच्छा कर रही है, पिछला मैच भले ही हार गई बट इस मैच में ये डोमिनेट करते हुए नजर आ सकती है, बल्लेबाजी इनकी इंग्लैंड से ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा उन पर हम भरोसा भी कर सकते हैं। टॉप एंड से पिक की बात की जाए तो ट्रेविस हेड बहुत खतरनाक फॉर्म में, 31, 59, 80 इस तरीके का स्कोर किए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जब भी खेलते हैं अच्छा खेलते हैं, बैक टू बैक 3 डिसेंट पारियाँ आई है, तो ये भी इस मैच में चल सकते हैं। मैट शॉट बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा कर रहे हैं, ये देखिए 28, 5 विकेट, 41 रन दोनों ही मैचों में इस साल अच्छा किए हैं, और दो ही मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेले और दोनों में अच्छा खेले हैं। जैक फ्रेजर मैगर की ये बहुत ही विंटेज खिलाड़ी है, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, कम है इसका, बहुत ही विंटेज बल्लेबाज, आईपीएल में हमने देखा किस तरीके से इन्होंने तोड़फोड़ मचाया था, 50 जड़ी पहले ही मैच में और इस मैच में भी खेलते हैं तो रन कर सकते हैं। जॉस इंग्लिस 42, 33, 103, 27 बहुत अच्छे फॉर्म में, लगातार अच्छा करें इस सीरीज में, दोनों ही मैचों में चलें, इस मैच में भी चल सकते हैं। एरन हार्डी को जीएल वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं, ये 20 रन बनाया था आखिरी मैच में, 11 दो विकेट उससे पहले, 1 विकेट, 19, 40 दो विकेट, जैसे सिचुएशन वैसा ये करते हैं, ऊपर भी अच्छा खेलते हैं, अगर ऊपर आते हैं तो भी अच्छा कर सकते हैं, अगर जल्दी विकेट गिरता है तो भी अच्छा कर सकते हैं। स्टोनिस को भी जीएल वगैरह के लिए ट्राई करना, ठीक है, विकेट तो लगातार लिए हैं जब जब मौका मिला है, 3-4 ओवर की गेंदबाजी तो करेंगे ही, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर्स अच्छे हैं, 30-30 विकेट 30-30 रन एक एक विकेट, साथ में 20-20, 25-25 रन एक एक विकेट लगातार लिया है। टीम डेविड को हम स्किप कर रहे हैं, क्रिस ग्रीन को भी जीएल वगैरह के लिए चाहो तो ट्राई कर सकते हो, 1 विकेट 13 रन दोनों मैचों में एक एक विकेट लिया है, सॉरी पिछले मैच में विकेट नहीं मिला है, 62, 3 विकेट 26, 2 विकेट 1 विकेट, फॉर्म तो बहुत अच्छा है इनका, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं और इस सीरीज में कुछ खास कर नहीं पाए। सीन एबर्ट 2 विकेट यहाँ 3 विकेट यहाँ 2 विकेट यहाँ 1 विकेट यहाँ 3 विकेट यहाँ, और इंग्लैंड के खिलाफ देखा जाए तो लगातार 2-2, 3-3 विकेट इन्होंने लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने कई सारे मेन खिलाड़ियों को पिछले मैच में बिठा दिया था, इस मैच में वापस आएंगे और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले मैच की तरह इस मैच में डोमिनेट करते हुए नजर आ सकती है। एडम जंपा यहाँ 2 विकेट यहाँ 0 विकेट यहाँ 1 विकेट, बहुत अच्छे फॉर्म में, इनको भी लिया जा सकता है, ठीक है, 9 पारियों में 10 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ है। जॉस हेजलवुड 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, पिछला मैच खेले नहीं थे, इस मैच में वापस आ सकते हैं, अगर इस मैच में आते हैं तो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, चाहो तो ले सकते हो, देखते हैं आते हैं नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। तो सेफ टीम में है फिलिप सॉल्ट, जॉस इंग्लिस, ट्रेविस हेड, फ्रेजर मैगर्क, बैथल, कैप्टन लियम लिविंगस्टोन, वाइस कैप्टन मैट सॉल्ट, सैम करन, आदिल रशीद, सीन एबर्ट और एडम जंपा, और इसकी टीम में है फिलिप सॉल्ट अगेन, जॉस फिलिप्स, कैप्टन जो है ट्रेविस हेड, वाइस कैप्टन विल जैक, स्टोनिस, सॉल्ट, लियम लिविंगस्टोन, ग्रीन, हार्डी, सीन एबर्ट और एडम जंपा,
यहाँ पे नजर आ रहे हैं। विनर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे गिव अवे का जो विनर है वो हमारे टेलीग्राम पर अनाउंस होगा, और जब तक ये सीरीज चल रही है CPL को मैं अपने टेलीग्राम पर ही कवर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको अपडेट 7-8 बजे से पहले मिल जाएगी। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक से ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आप यूज़र आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। विनर की बात की जाए तो इस मुकाबले में 52% ऑस्ट्रेलिया के, 48% इंग्लैंड के जीतने के चांसेस रहेंगे। अपने फुल पोटेंशियल के साथ ऑस्ट्रेलिया आएगी और मुझे लग रहा है कि सीरीज भी जीतेगी। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू मी ऑस्ट्रेलिया में विद विनर ऑफ दिस गेम। बाकी आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीत सकती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।